हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन एंड विच कुड बी अ एपिसोड नंबर 14. इट मे बी द लास्ट अ पार्ट ऑफ द थियोरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, और नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स और थियोरी क्वेश्चंस देखेंगे. सो लास्ट टॉपिक दैट इज टर्म्ड एट वेटलेसनेस. वेटलेसनेस को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम एपिसोड नंबर 10, फ्री फॉल. अगर आपको याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो एक बस एक रिवाइज कर लेना विद अ स्पीड ऑफ 1.5 अप्रॉक्स. आप स्पीड में देखकर एक बार वापस देखकर ये एपिसोड देखना, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. आई ट्राई टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट विच आर अप्लाइंग इन दिस वेटलेसनेस. अब मुझे बताओ, एक नाम में ही बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज वेटलेसनेस मतलब कि शायद वेटलेसनेस मतलब वेट फील नहीं हो रहा है. इसका मतलब ही होता है कि वेट फील नहीं होगा. अब वेट फील नहीं होगा मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, सो वेट कब फील होगा? जब मैं इस पे खड़ा रहूंगा, हेंस ग्रेविटी मुझ पे एक्ट होगी. मेरा मास तो मेरा है, वो तो फिक्स है, एंड इन ऑल द यूनिवर्स द मास विल कॉन्स्टेंट. अब इस पे मेरे पे ग्रेविटी एक्ट होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस आई विल अप्लाई सम फोर्स. अब जैसे मैं नीचे फोर्स अप्लाई करूंगा, वैसे ये फ्लोर भी तो मुझे एक ऊपर फोर्स देगा, हैंस ड्यू टू विच आई कैन फील माई वेट. ओके, सो ऐसा उल्टा भी हो सकता है क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लो कि मैं यहां से, ये मैंने फ्लोर पे ऐसे खड़ा हूं मैं, और फ्लो नीचे चला गया. फीलिंग आ रही है? तो जब जैसे फ्लो नीचे जाएगा और मैं भी नीचे जा रहा हूं, तो मुझे क्या फीलिंग आएगी कि शिट, नीचे से सर्फेस चला गया है, मतलब मेरा बॉडी कैसा हो गया है, नाउ इट इज इन अ फ्री फॉल. मतलब कोई मुझे कोई फोर्स नहीं दे रहा है नीचे, बट मैं खुद से नीचे जा रहा हूं because of acceleration due to gravity, hence that feeling is known as weightlessness. अब वहां पे क्या होगा, हम उस फ्लोर पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे और ना ही मुझे फोर्स ऊपर मिलेगा, hence मुझे मेरे बॉडी का वेट फील नहीं होगा. अब ऐसा ही कुछ हम अज्यूम करो, हम एक लिफ्ट में है जहां पे लिफ्ट में सारी चीजें नीचे गिर रही है. अगर फ्लो नीचे है, अगर मैंने बोला कि वो जो लिफ्ट है वो भी नीचे आ रही है विथ सम एक्सेलरेशन जी, मतलब कुछ सी स्पीड से नीचे आ रही है और मैं भी उसी स्पीड से नीचे आ रहा हूं, तो मुझे क्या फील होगा कि मैं नीचे खड़े नहीं रह पा रहा हूं और वो मुझे वेट नहीं फील करने देगा, हेंस आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. हम अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, वहां पे एक राइड होती है जिसका नाम होता है फ्री फॉल. क्या होता है उसमें कि हम ऐसे ऐसे धीरे 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 ऊपर पहुंचते हैं. ऊपर पहुंचने के बाद एक दो सेकंड तक तुम देखो व्यू देखो, तब तक अचानक पता नहीं क्या होता है और ऐसा लगता है कि सब टूट गया है और सब नीचे गिर रहा है. और जो हम अपनी सीट पे जो वजन लगा रहे थे, वेट लगा रहे थे, वो सीट ही नीचे आ रही है और हम भी साथ में नीचे आएंगे, तो हम शायद उस पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे और हमें फीलिंग आएगी कि यार नीचे का सीट गया, मैं हवा में आ जाएगा. हेंस दैट फीलिंग इज नोन एज फ्री फॉल. आई कैन कंक्लूड एज दैट वेटलेसनेस इज नॉट एज ग्रेविटी इज जीरो. मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी जीरो हो जाती है क्या? नहीं नहीं ग्रेविटी तो उतनी ही रहेगी, बस हम शायद वेट फील नहीं कर पाएंगे. ग्रेविटी रहेगी बट वेल वेट फील नहीं कर पाएंगे. सो इन सिमिलर मैनर, अगर मैंने एक स्पेसक्राफ्ट लिया, अगर आपने स्पेसक्राफ्ट देखा होगा, अगर आपने कभी स्पेसक्राफ्ट का वीडियो देखा होगा, तो यू हैव ऑब्जर्व दैट ऑल थिंग्स आर फ्लोटिंग इन द एयर. अगर आप पानी भी छोड़ोगे तो ऐसा पानी भी ऐसे रखोगे, बॉटल से पानी भी निकालोगे, तो पानी का ड्रॉपलेट भी ऐसे से घूमता रहेगा एटमोसफेयर में और वो नीचे नहीं गिरेगा. वो लोग सोते भी ऐसे, वो दीवार पे ऐसा बेड होता है और उस पर ऐसा खड़े रह के बेल्ट बांध के सोते हैं, है ना. सो एवरीथिंग इज फ्लोटिंग इन द एयर. अगर मुझे कुछ चीज का काम करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे टेबल पे नहीं रखूंगा, मैं इसको ऐसे हवा में छोड़ दूंगा, यहां से लाया यहां से लिया, ऐसे करके हम काम भी करते हैं. हैंस वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब फ्लोट हो रहे हैं. क्यों? उनपे ग्रेविटी नहीं लग रही क्या? नहीं, ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी लगेगी. बिकॉज जो अर्थ सर्फेस जो हाइट है, हमने क्या बोला था, ग्रेविटी कब जीरो होगी? एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. अब वो इतने डिस्टेंस पे नहीं होते, वो लिमिटेड डिस्टेंस पे होते हैं, जहां पे हमारी ग्रेविटी जस्ट रिड्यूस्ड बाय 11%. मतलब एट दैट हाइट द ग्रेविटी इज नॉट जीरो, बट कितना रिड्यूस हुआ, दैट इज 11% रिड्यूस हो गया. 11% रिड्यूस हुआ तो मैं बोलूँ यहाँ पे 9.8 है. अगर मैंने बोला 11% रिड्यूस हो रहा है, मतलब मैं इसका 11% रिड्यूस करूंगा, सो इट टर्न्स टू बी 8.7022 जो भी है. अब इतना एक्सेलरेशन लगता है, मतलब जीरो हो गया क्या? 9.8 का जीरो हुआ क्या? नहीं, 8.7022 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो मेरे पास एक्सेलरेशन है,
तो ये एक्सेलरेशन से मैं नीचे गिरना चाहिए था, बट वहां पे नहीं गिर रहा हूँ. क्यों नहीं गिर रहा हूँ? ऑल थिंग्स आर फ्लोटिंग. व्हाई दोज ऑल थिंग्स आर फ्लोटिंग? सो लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज माय अर्थ सरफेस. ये अर्थ है मेरा, यहाँ पे मेरा स्पेसक्राफ्ट है. अगर मैंने इसको स्पेसक्राफ्ट से छोड़ दिया तो सब चीज नीचे गिरेगी, है ना. अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल वो स्पेसक्राफ्ट में अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट लेके खड़ा हो तो वो ऑब्जेक्ट ऐसी, अरे छोटा सा बॉल ले लिया, अर्थ दिख रहा है आपको छोटू सा, अर्थ ऐसे लेके गया तो मैं जैसे नीचे गिरूंगा तो वो भी ऐसे मेरे हाथ हाथ में साथ साथ में नीचे चीजें आएगा, है ना. तो ये क्या होगा, ये मुझ पे ना ही ये मुझ पे फोर्स लगा पाएगा ना ही मैं इस पे फोर्स लगा पाऊंगा. हेंस ऑल थिंग्स मस्ट बी फ्लोटिंग. अब मैंने क्या किया, उसी पॉइंट से मैंने इस पार्टिकल को स्ट्रेट फेंका. तो मैं बोले ये यहां से यहां पे गिरेगा. मैंने क्या किया, नहीं नहीं इधर नहीं गिराना, मेरे को थोड़ा और लेके आता और दूर लेके आता हूं, मैं थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी देता हूँ. कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो मैं थोड़ी और वेलोसिटी दी तो वो थोड़ा सा और आगे जाके शायद एक रेवोल्यूशन लेके गिर जाएगा. मैंने और वेलोसिटी दी तो ये चार पांच रेवोल्यूशन लेके गिर जाएगा. बट एक ऐसी वेलोसिटी दी ड्यू टू विच इट विल नॉट फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस एंड इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और आई कैन से इट विल बी रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. मतलब इतनी वेलोसिटी दो कि वो बस उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहे. कम दिया तो अर्थ सर्फेस पे, ज्यादा दिया तो अर्थ से बाहर. इजी द दैट वैल्यू, ये हमें चैप्टर 10 में मिलेगा फ्रॉम दिस पार्ट 1 साइंस. बट हम मैं बस आपको वैल्यू बताता हूँ कितना होता है. जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी देखा था, कितना होता है एस्केप वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm/r. यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी होती है सिर्फ इसमें से रूट टू निकाल दो, इसमें से रूट टू निकाल दो, क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ gm/r. डिफरेंस कितना आ रहा है? आई कैन से क्रिटिकल वेलोसिटी, आई कैन से एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट माई रूट टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना. सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं उसका. ये सब छोड़ो, ये 10 चैप्टर की बात है, बस आपको इतना समझना है क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. हेंस मैंने अगर वो वेलोसिटी दे दी, क्रिटिकल वेलोसिटी को जाने दो, अगर मैंने ये वेलोसिटी दे दी इस ऑब्जेक्ट को, तो वेलोसिटी क्या करेगा, वो सर्कल में घूमेगा. बट हर पॉइंट पे उसको क्या फीलिंग आएगा कि मैं तो नीचे गिरने वाला हूं, बट जैसे थोड़ा आगे आगे ट्रैवल करेगा तो अर्थ का भी तो डोम है, मतलब ऐसा अर्थ भी तो कव हो रहा है. हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे जाते रहेगा और हर पॉइंट पे वो अर्थ पे गिरने का ट्राई करेगा, बट पॉइंट पे गिरेगा क्या? नहीं, जैसे वो थोड़ा नीचे आएगा तब तक तो अर्थ ही बेंड होगा. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे उसको हमने नीचे फेंका तो यहाँ पे नीचे गिरना चाहिए, बट जैसे वो थोड़ा आगे आएगा तब तक अर्थ भी कव हो रहा है, अर्थ भी कव हो रहा है. ऐसे हर पॉइंट पे वो गिरने का ट्राई करेगा बट वो गिरेगा नहीं. हेंस ऑल द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसक्राफ्ट देयर विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. वहां पे एक्सेलरेशन कितना लगा? I can say acceleration is just 11% less than from the surface of the earth. दो point important है, याद रखना. अब that weightlessness is not dependent on the property of the material. अब property of the material, property of the object बोल सकते हैं, but property of the object मतलब ये इसके बॉडी के मास, जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट पे क्या, एलिफेंट पे वेटलेसनेस फील नहीं होगा क्या, या पिन पे वेटलेसनेस फील नहीं होगा क्या? सब पे सेम होगा. इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इफ आई से, अगर एक ऑब्जर्वर है या फिर एक एस्ट्रोनॉमर है जो स्पेसक्राफ्ट में है और अगर वो कोई चीज को रिलीज करता है, सो इट विल नॉट फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस एंड इट विल बी रिमेनिंग स्टेशनरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट. हेंस जैसे हमने फ्री फॉल में देखा था वो फेदर और बॉल का एक्सपेरिमेंट, जहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल फेदर के हिसाब से अगर बॉल को देखेगा तो बॉल क्या लगेगा, उसको स्टेशनरी है. एंड विथ वाइस वर्सा, अगर बॉल देखेगा फेदर को तो उसको क्या लगेगा, वो सब स्टेशनरी है. दे आर फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ बट देयर वेट इज जीरो एट दैट मोमेंट. जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है देयर वेट विल बी जीरो. समझ में आ रहा है? सो व्हाट दे विल से, दे आर नॉट फॉलिंग, दे आर स्टैंडिंग स्टिल. ओके, सो हम स्पेसक्राफ्ट में भी देखते हैं कि सब चीज नीचे गिरनी चाहिए but they are not falling toward the earth surface and they are standing still. So with this we have completed with the chapter. In the next lecture we will be discussing about the exercise and the numerical part. Till then keep practicing, keep revising all the concepts. I'll be asking you many of the questions. Hame kuch bhi question aaya to hame solve karna aana chahiye. So be prepared and give your best. All the best. Bye.